बहुत बड़ा आदमी है और यह बेचारे 10-12 साल से आपके शादी खाने में हम जहाँ शादी खाना जाते हैं मुस्लिम शादी खाने में बोलिए और पहले का हर साल हम साथ जाता हूँ एक बहुत बड़ा आदमी है। हालात का मुकाबला करते हुए वसीम भाई इतने हालात खराब होने पा रहे हर मुकाबला करते हुए इन्होंने जो काम को आगे बढ़ा रहा है कि हिम्मत इनकी हिम्मत है। खैर मैं बोलते हुए आज हमारे तमाम फलवीर के हमारे MLA साहब जितने भी जिस दिना बहुत सारा जो बुलाए थे वो नहीं आ सके सर हमको बात नहीं है सर बुलाना हमारा फर्ज है उनकी मजबूरी नहीं है लेकिन जो भी मेहमान हमारे पास आए हैं हमारे भाई बहने जो भी आए हैं हमारे फलवीर के उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ये बात सुनाना फिर समझता हूँ। नफरतों को हमें मिटाना है प्यार का दीप एक जलाना है हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाए ऐसा हिंदू सुता बनाना है ऐसा हिंदू सुता बनाना है। प्यार का मैं चमन चाहता हूँ मैं जमजम गंगा का मिलन चाहता हूँ रहे साथ हिंदू मुसलमान मिलकर हमेशा दुआओं में यही चाहता हूँ। तो मैं कहने का मतलब यह है कि आज से हमारे पास 100 साल पहले रह चुके थे लेकिन हालात ऐसा बन गए हमारे हिंदुस्तान का मकसद नफरत नहीं है ये हिंदुस्तान नफरत से नहीं फैला ये मोहब्बत से फैला। आज गांधी जी का पैगाम उठा कर देखिए उन्होंने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। तो बोलने का मतलब यह है कि हमको देखना नहीं है हम ये चाहिए कि हम जो है मोहब्बत बांटो अपने।